हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल एसे क्रिकेट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल होने वाले मैच न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश की, जो कि खेले जाने वाला है नेपियर में। ठीक है, तो यहाँ की जो पिच है वो बहुत ही जो है खतरनाक पिच है फास्ट बॉलरों के लिए। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। जैसे कि जो है वहां की पिच रिपोर्ट क्या होने वाली है, बहुत डिटेल में मैं कवर करने वाला हूँ, बहुत डीपली मैं बताऊंगा। ठीक है, हर एक चीज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज बताऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि 50% चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं पिच रिपोर्ट पे। ठीक है, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट बताऊंगा, रिसेंट फॉर्म दोनों टीमों का। ठीक है, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11, आपको किस प्लेयर को सबसे ज्यादा आपको पिक करना है। ठीक है, जो मेन प्लेयर है उनको कौन से रिस्की प्लेयर होने वाले हैं। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि आपको टीम किस तरीके की बनानी है, किस स्ट्रक्चर के साथ जाना है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए कौन प्रबल दावेदार है। ये सारी चीजें आपको जो है इस पूरे वीडियो में मिलने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, छोड़ के तो बिल्कुल मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये पूरा सुनहरा मौका है। ये एक ऐसी जो है ऐसी टूर्नामेंट है जहां पे विनिंग के प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई है, क्योंकि यहाँ पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं इजीली कि कौन चलने वाला है और कौन नहीं चलने वाला है। ठीक है, ये एक बैलेंस साइड नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक का मैच है। ठीक है, तो आप जो है इस पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ठीक है तो उसको सब्सक्राइब करिए, और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाइए और ज्वाइन करिए दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की पिच रिपोर्ट की। तो ये जो पिच है वो पेसर को सबसे ज्यादा मदद करेगी, और यहाँ पे बैट्समैन भी बहुत अच्छा रन बनाते हैं ठीक है इस पिच के अकॉर्डिंग। बट जो कल का जो मैच है वहां पे थोड़ा सा जो है क्लाउडी वेदर वेदर होगा। ठीक है, क्लाउडी होगा, यानी जो है आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे पेसर्स को ज्यादा विकेट मिलने वाला है या ज्यादा मदद मिलने वाली है कल के मैच के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं बहुत डीप में, मैं तो बोलता था कि बहुत डीप में नॉलेज देने वाला हूँ यहाँ की पिच रिपोर्ट की। यहाँ पे अभी तक 5 मैचेस खेला गया है। ठीक है, अभी तक यहाँ पे सॉरी अभी तक यहाँ पे 5 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 2 मैच जो है होम साइड जीती है। ठीक है, 2 मैच जो है टूरिंग साइड जीती है, ठीक, और एक जो है वो न्यूट्रल साइड पे है। और अगर हम बात करें बैटिंग फर्स्ट की, तो 2 मैच जो है बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम जीती। ठीक है, और बैटिंग सेकेंड करते हुए जो टीम है वो 2 मैच जीती है। टॉस जीत के एक बार जो है टॉस जीत के पहले जिसने टॉस जीता वो एक बार उन्होंने जो है मैच जीता है, और एक 3 बार जो है जो टॉस हारने वाली टीम है वो मैच जीती है, और एक मैच जो है वहां पे टाई रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ स्टैट रहा है नेपियर का। अब हम बात करते हैं कि वहां पे एवरेज पर विकेट क्या है, यानी 24.84 रन बना के एक विकेट गिर जाता है वहां पे। और एवरेज पर ओवर का आप देखेंगे तो लगभग 9 रन है। लगभग 9 रन का मतलब जो है आप देख सकते हैं कि 178 रन यहाँ पे जो है वो एवरेज स्कोर है। यानी ये जो पिच है वो बहुत धमाका वाली पिच है, यहाँ पे जो है रन बनता ही बनता है अगर आप बात करेंगे रन्स की। तो यहाँ पे एवरेज जो है टोटल है वो 178 रन है। आप देखिए, यानी कल का जो मैच होगा, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है ठीक है, तो ये आप उम्मीद लगा के चलिएगा कि 180 से लेके 200 रन बनने वाले हैं कल के मैच के लिए, अगर थोड़ा सा भी क्लाउडी वेदर नहीं रहा तो। अगर क्लाउडी है तो 170 से लेके 190 के बीच में मान के चलिए कि कल के मैच में रन बनने वाला है। ठीक है, अब हम थोड़ा और डीप जाते हैं वहां की पिच रिपोर्ट में। तो 5 मैचेस में देखिए, आप 5 मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली जो टीम है वो 2 मैच जीती है। ठीक है, पहले जो बैटिंग करने वाली टीम है वो 2 मैच जीती है, सेकंड बैटिंग करने वाली जो टीम है वो 3 मैच, ठीक, एक जो है आप ये लॉस का हो गया। अब यहाँ पे हाई स्कोर की बात करें तो 241 रन जो है वो फर्स्ट बैटिंग करते हुए हाई स्कोर बना है, और सेकंड बैटिंग करते हुए स्कोर जो है 177 रन बना है। यानी आप अगर कोई भी टीम 200 रन बना दी है तो ये फर्स्ट बैटिंग करते हुए, तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि 200 रन चेज नहीं होने वाला है यहाँ पे। यानी 180 रन का अगर टोटल कोई भी टीम बना देती है न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करते हुए, तो जो है उसको चेज करना दूसरे टीम के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा यहाँ का फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 177 रन है, सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 140 रन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा स्टैट्स पूरी एनालिसिस है मेरी तरफ से। अभी तक जो है यहाँ पे 150 रन के बीच में फर्स्ट बैटिंग करते हुए केवल एक बार बना है, और सेकेंड बैटिंग करते हुए 2 बार बना है। वहीं 150 से 200 के बीच में इसको फर्स्ट बैटिंग करते हुए 3 बार बना है, और सेकेंड बैटिंग करते हुए 2 बार बना है, और 200 से ऊपर जो है फर्स्ट बैटिंग करते हुए 1 बार बना है, और सेकेंड बैटिंग करते हुए 0 बार बना है। तो ये रहा पूरा स्टैट्स ठीक है अभी तक के पिच रिपोर्ट का। अब हम बात करते हैं कि वहां पे किसको सबसे ज्यादा विकेट मिलता है। अगर बात करें हम लेफ्ट आर्मर की, तो लेफ्ट आर्मर को अभी तक जो है 15 विकेट मिला हुआ है, फर्स्ट इनिंग में 12 विकेट और सेकेंड इनिंग में 3 विकेट। ठीक है, वहां पे फास्टेस्ट को 1 विकेट मिला है फर्स्ट इनिंग में, और मीडियम मीडियम
फॉस्टर को जो है 10 विकेट मिला हुआ है, फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट, सेकंड इनिंग में 2 विकेट, और मीडियम को एक भी विकेट नहीं मिला हुआ है, स्लो यानी स्पिनर्स को वहां पे 4 विकेट मिला हुआ है, फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट और सेकंड इनिंग में 1 विकेट। तो ये है स्टैट्स, ठीक है, ये स्टैट्स है जो लेफ्ट आर्मर को वहां पे कितना मदद मिलता है। अब हम राइट आर्मर्स की बात करें तो राइट आर्मर्स का मतलब जो दाहिने हाथ से गेंद फेंकता है उसकी हम बात करते हैं। वहां पे फास्ट बॉलर को जो है, जो फास्ट बॉलर है उनको 8 विकेट मिला हुआ है, मीडियम फास्ट बॉलर को जो है 26 विकेट, मीडियम को जो है 4 विकेट और स्लो बॉलर को 7 विकेट। यानी यहाँ पे जो स्पिनर है वो बहुत ही कम विकेट लेते हैं, इतना याद रखिएगा। यानी आप जब कल की ड्रीम इलेवन की टीम बनाए तो इस फास्ट बॉलर जो चार आप जो फास्ट बॉलर लेंगे, जो बॉलर्स लेंगे, ठीक है, लास्ट के, वो चारों के चारों पेसर्स होने चाहिए, ये याद रखिए, ठीक है। पेसर्स होंगे तो आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी हाई हो जाएगी मैच को जीतने के लिए। तो ये रहा पूरा डीप एनालिसिस वहां के पिच का। अब हम बात करते हैं कि अभी तक उसके वहां पे जो पिच उस ग्राउंड पे अभी तक किसने सबसे ज्यादा विकेट लिया है। तो साउथी हैं जो पेसर हैं, ये भी सबसे ज्यादा विकेट 7 विकेट लिए हैं। इंडिया की तरफ से सिराज 4 विकेट, अब देखिए अर्शदीप 4 विकेट, फिर परकेसन 4 विकेट, फिर अशरफ फहीम अशरफ 4 विकेट, लॉकी फर्गसन 3 विकेट, मिलने 3 विकेट, सेंटनर ये पहले स्पिनर है जो वहां पे जो है अभी तक विकेट लिए हैं, और 3 विकेट मिला है इनको 3 मैचेस में, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर विलर जो है यहाँ पे 2 विकेट, जॉर्डन भी फास्टर है 2 विकेट, बैनेट भी फास्टर है 2 विकेट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे विकेट मिलता है। शाहिद आफरीदी भी पेसर है, फास्टर है, इनको भी 2 विकेट, हारिस राउत 2 विकेट, हसन 2 विकेट। यानी नॉर्मली आप यहाँ से देखिए ये सारे के सारे, केवल एक सेंटनर को छोड़ दिया जाए तो इसमें सारे के सारे क्या है, पेसर बॉलर है जिन्होंने वहां पे अभी तक विकेट मारा है। यानी आप अगर बॉलिंग सेक्शन की बात करेंगे तो आपको बॉलिंग सेक्शन में किसको लेना है, पेसर्स को लेना है, ये कंक्लूजन निकल के आता है इस पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरा कंक्लूजन निकल के आता है कि आपका जो रन होने वाला है वो 160 से लेके 190 के बीच में होगा, ठीक है। ये अनुमानित स्कोर है, रीसेंट मैच रीसेंट स्कोर है, अनुमानित स्कोर है, प्रेडिक्टेबल स्कोर है ये मेरा, ठीक है, कि इतना प्रेडिक्ट होने वाला, इतना रन बनने वाला है। और जो वहां पे विकेट गिरते हैं, ठीक है, वहां पे जो विकेट गिरेंगे वो जो है वो पेसर बॉलर लेंगे। तो ये दो चीजें इस पूरे पिच रिपोर्ट से निकल के आती हैं। अब हम बात करते हैं वहां पे हेड टू हेड कॉन्टेस्ट की, इन दोनों की बीच में। तो अभी तक 17 मैच खेले गए हैं T20, जिसमें से 14 मैच न्यूजीलैंड जीता है और 3 मैच जो है बांग्लादेश जीता है। आपको ये रिसेंट कुछ मैचेस हैं यहाँ पे जो कि खेले गए हैं, यहाँ के कुछ मैचेस वो हैं, आप देख सकते हैं कि 12 अक्टूबर को 2022 को एक मैच खेला गया था, ठीक है, 208 रन न्यूजीलैंड बनाई थी, 160 रन 7 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश रह गई थी। यहाँ पे 142 रन न्यूजीलैंड बनाई, 137 रन पे रह गई बांग्लादेश। यहाँ पे जो है 161 रन न्यूजीलैंड बनाई, 134 पे बांग्लादेश रह गई। और इस सब में देखिए कि बांग्लादेश का विकेट गिरा हुआ है, 8 विकेट 7 विकेट 8 विकेट 7 विकेट सारे मैचेज में। अब यहाँ न्यूजीलैंड जो है 93 रन पे ऑल आउट हो गई, ये शेर बांग्ला स्टेडियम में मैच था, ठीक है, और बांग्लादेश उसको जीत गई। फिर यहाँ पे न्यूजीलैंड 128 रन, ये भी शेर बांग्ला स्टेडियम में मैच था और ये भी शेर बांग्ला स्टेडियम में मैच था, ठीक है। तो ये तो बांग्लादेश की पिच में था और ये सारी जो है वो न्यूजीलैंड की पिच में है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे विकेट्स गिरते हैं अगर बांग्लादेश की टीम्स की बात किया जाए तो, ठीक है। यानी आप इजीली चेक करिए पहले कि यहाँ पे 5 विकेट गिरा है, यहाँ पे 2 विकेट गिरा है, यहाँ पे 5 विकेट गिरा है। यानी कुछ अगर 100 आज प्रेडिक्ट करते हैं 160 से 190 के बीच में, तो न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग करेगा, ठीक है, न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग करेगा तो उसके 4 से लेके 7 विकेट तक गिरेंगे। और ये जो विकेट होंगे वो मोस्टली कौन लेगा, वहां के यहाँ के पेसर्स ले सकते हैं या साकिब अल हसन अगर खेलेंगे तो ले सकते हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है विकेट्स झटकाने की किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो ये कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर 100 न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग कर रही है, ठीक है, न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग कर रही है और 160 रन से 190 रन का टोटल है, तो वहां पे जो है 4 से लेके 7 विकेट तक न्यूजीलैंड के घिरेंगे। और ये जो विकेट्स होंगे वो पेसर्स 2 से 3 विकेट लेंगे, ठीक है, 2 से 3 विकेट पेसर्स लेंगे, जैसे तस्कीन अहमद और ये लोग हो गए, और बाकी जो है 1-2 विकेट जो है साकिब अल हसन को मिल सकता है, साकिब को मिल सकता है। तो यानी साकिब एक वैसे भी इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई रहेगा कल के मैच के लिए। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा स्ट्रक्चर होने वाला है कल के मैच के लिए, तो इस वीडियो को छोड़ के मत जाएगा, पूरा देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, ठीक है। तो फिन एलन न्यूजीलैंड की तरफ से, फिन एलन, शेफर्ड, रचिन रविंद, मिचेल, फिर चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, निशम और जो है सेंटनर, ईस्टोडी, टीम साउदी और मिलने। तो ये टीम साउदी, ठीक है, और मिलने और जो है जेमी निशम, ये आपके तीन ये पेस बॉलर होंगे जिनके साथ आप न्यूजीलैंड की टीम की बॉलिंग का कमान ये संभालेंगे। तो आप इनको जरूर रखिएगा अपनी टीम में, ठीक है। अब हम बात करते हैं वहीं बांग्लादेश की तरफ से। तो बांग्लादेश की तरफ से जो है सौम्य सरकार, ठीक है, मेहदी हसन मिराज, फिर शांतो कैप्टन, लिट्टन दास, फिर जो है हृदय, और ये भी अच्छे बल्लेबाज हैं, हृदय एक मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, ठीक, और जो है हसन, फिर अफीम और जो है शरीफुल इस्लाम, ये एक अच्छे बॉलर हैं
अगर आप जो है बांग्लादेश की तरफ से बॉलिंग की बात करें तो मुस्तफिजुर रहीम और हसन मोहम्मद, ठीक है, ये भी एक अच्छे बॉलर है हसन मोहम्मद भी। तो आप जब ये दो प्लेयर्स आपको पिक करना है बांग्लादेश की बॉलिंग की तरफ से अगर बात करेंगे तो मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम, ये इन दोनों में से एक प्लेयर आप पिक करिएगा जो भी आपको स्टैट्स के अकॉर्डिंग अच्छा लगे, ठीक है, आप उनको पिक करके चलिएगा। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, क्या होने वाला है स्ट्रक्चर, अब समझते हैं की पॉइंट्स इसके, ठीक है। तो मैंने आपको पहले पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो है आपके मस्ट पिक कौन से होने वाले हैं। मस्ट पिक जो है, मैं हमेशा टीम साउथ ही बॉलर्स की तरफ से जरूर जाऊंगा कि टीम साउथी को आपको लेना है। ये टीम साउथी हुए, एडम मिलने हुए, एडम मिलने को आप कैप्टन भी बना सकते हैं और वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, ठीक है, ये बहुत ही कल के मैच में क्रुशल होने वाले हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन होने वाले हैं, तो रचिन रविंद्र एक अच्छे ऑप्शन हो गए, और फिम एलन जो है वो आपको 50 रन की या 40 रन की इनिंग स्टार्टिंग में खेल के दे सकते हैं। तो आप इनको अगर रखना है अपनी टीम में तो रख सकते हैं। अगर ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि स्टार्टिंग के विकेट गिरेंगे यहाँ पे, तो आप डैरिल मिशेल को अपनी टीम में रखना मत भूलिएगा, ये एक बहुत खतरनाक प्लेयर हो गए, ठीक है। तो अगर बैटिंग साइड से लेना है तो रचिन रविन, डैरिल मिचेल और जो है आप ग्रैंड फिलिप को अपने टीम में रख सकते हैं। ये तीन बल्लेबाज होंगे कल मेरी तरफ से न्यूजीलैंड के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो हमें पता है कि टीम पहले स्ट्रक्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले टीम होता है। तो ये जो है टीमें वो किस टाइप की टीम होती है, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक की टीम है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक की टीम है। क्यों स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक की टीम है, क्योंकि जो है न्यूजीलैंड बहुत ऊपर आता है रैंकिंग में और जो है बांग्लादेश जो है बहुत नीचे आता है। यानी आपको जो टीम कॉम्बिनेशन बना के चलना है वो 8-3 का बना के चलना है या 7-4 का बना के चल सकते हैं इन अ वर्स्ट कंडीशन सिनारियो, ठीक है। यानी 8 प्लेयर जो होंगे वो न्यूजीलैंड के होने वाले हैं और 3 प्लेयर जो होंगे वो किसके होने वाले हैं, बांग्लादेश की तरफ से होने वाले हैं। और ये जो 3 प्लेयर होंगे ना, उसमें से आप एक प्लेयर जो है आप फिक्स कर दिए कि यहाँ पे बॉलर होगा, ठीक है, और 2 प्लेयर आप जो है 2 प्लेयर में से ऑलराउंडर ले सकते हैं अगर आप जो है इनकी बांग्लादेश की बात करेंगे। तो अब 8 प्लेयर में से यहाँ पे जो 8 प्लेयर आप लेने वाले हैं उसमें से आप 4 प्लेयर या 3 प्लेयर जो है आप पेसर लेंगे, पेसर बॉलर, ठीक है, पेसर्स बॉलर, और जो है बाकी सारे आप बैट्समैन ले सकते हैं। बैट्समैन में ऑलरेडी मैंने आपको जो है की प्लेयर्स बता दिया है कि की प्लेयर कौन होने वाले हैं। 3 प्लेयर की प्लेयर मैंने बताया है, दो फास्ट बॉलर बताया है, ठीक है, और एक जो है मैंने आपको उसमें प्रेडिक्ट किया कि आप उनको कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं, जो कि आप जो है मिलने को, और या फिर टीम साउथी को भी आप बना सकते हैं कैप्टन या वाइस कैप्टन। अगर सिलेक्शन परसेंटेज एक बार देखना पड़ेगा कि इन दोनों का में से किसका सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम है। अगर 30% से जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कम होगा, प्लीज आप उनको जो है कैप्टन या वाइस कैप्टन में से कोई एक तो जरूर बना दीजिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की टीम की तरफ से। तो आप ये सौम्य सरकार को देख रहे हैं, ये हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं। मेहदी हसन मिराज एक अच्छे प्लेयर हैं बट ये आउट हो जाते हैं। हुसैन शांतो ये एक आप उनको बोल सकते हैं कि जो है कम आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। लिट्टन दास भी इनके पास पोटेंशियल बहुत है लेकिन ये सही से खेल नहीं पाते हैं। हृदय एक अच्छे बल्लेबाज हैं। अब मैं बता देता हूं कि अगर आप टॉप ऑर्डर को नहीं ले रहे हो, टॉप ऑर्डर जो है बांग्लादेश का नहीं ले रहे हो, तो एक बैट्समैन आप जो है यहाँ से ले सकते हो जो कि हृदय होंगे, हृदय, ठीक है, और या फिर आप जो है संटो को ले सकते हो। इन दोनों में से आप किसी एक को लीजिएगा, ठीक है, किसी भी एक बैट्समैन को आप जो है लीजिएगा अगर जो है आप इनकी टीम की अगर बांग्लादेश की टीम की तरफ से बात करेंगे तो, ठीक है। तो यानी आपको ये चीज तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो देना है वो 8-3 का स्ट्रक्चर देना है। अब आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, अब हम उसकी बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी के लिए आपको क्या करना है। स्ट्रेटेजी के लिए आपको जो है यहाँ पे स्ट्रेटेजी के लिए आपको क्या करना है, हमें पता है कि वहां पे कितना स्कोर बनने वाला है, 160, ठीक है, 180 और 190 के अराउंड। अगर क्लाउडी वेदर हुआ कल का तो न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग करी तो रन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करी तो यहाँ पे 4 विकेट, यहाँ पे 5 विकेट, ठीक है, और यहाँ पे भी 5 विकेट, इससे ज्यादा विकेट नहीं गिरने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया है कि किसको किसको जो है आप अपनी टीम में रखेंगे अगर 160 रन बन रहा है वहां पे, तो 160 रन बनेगा अगर, तो आप ये याद रखिएगा, अगर 4 विकेट के नुकसान पे तो नहीं बनेगा 160 रन, ये 7-8 विकेट के नुकसान पे बनेगा। अगर यहाँ पे 160 रन बन रहा है यानी 7 विकेट के नुकसान पे, यानी आप जो है यहाँ पे बॉलर्स को भी आप रखेंगे अपनी टीम में, ठीक है, यानी 2 बॉलर तो बांग्लादेश की तरफ
से आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, बांग्लादेश की तरफ से दो बॉलर तो आपको चाहिए ही चाहिए। और ये एज्यूम करिएगा कि अगर बांग्लादेश की तरफ से दो बॉलर ले रहे हैं तो 160 रन बांग्लादेश चेज भी कर सकती है, ठीक है, भले वहां पे चेज करना थोड़ा मुश्किल है, बट 160 रन चेज अगर नहीं करेगी तो आपको चार बॉलर या तीन बॉलर कम से कम जो है आप न्यूजीलैंड की तरफ से रखिएगा। और तीन बॉलर मैंने बताया है कि आपको कौन कौन से बॉलर को रखना है, टीम साउथी को रखना है अपनी टीम में, ठीक है, और जो है मिलने को रखना है अपनी टीम में, ठीक है, एडम मिलने, और आप एक स्पिनर ईशोधी या सेंटनर के साथ जा सकते हैं, ठीक है, बट ये जो दो प्लेयर है ये टीम में चाहिए ही चाहिए, और इनमें से कोई एक सी या वीसी भी चाहिए, ठीक है, तभी आप इस मैच के जीएल को जीत सकते हैं। अब हम बात करते हैं 180 रन की, तो यहाँ पे डैरिल मिचल एक की प्लेयर हो जाएंगे और रचिन रविंद्र भी एक की प्लेयर हो जाएंगे, ठीक है, और लास्ट में फिलिप भी एक की प्लेयर हो जाएंगे, यानी ये अगर 180 रन बनता है तो ये तीन प्लेयर जो है की प्लेयर होंगे, तो उस हिसाब से आप अपनी टीम को बनाइएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टीम को बनाइएगा जब भी आप अपनी टीम बना रहे हैं तब। अब 190 की बात करूं तो यहां भी ये तीन तो प्लेयर होंगे, बट ऊपर से भी एक प्लेयर आपको ओपनर में भी जुड़ जाएगा, या फिर वो फिन एलन हो सकते हैं, ठीक है, या उनके जो है विकेट कीपर बल्लेबाज जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रही कल के लिए पूरी स्ट्रेटेजी, ठीक है, कि आपको किस किस तरीके से सोच के और अपनी टीम को बनाना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये स्ट्रेटेजी आपको 100% कल के मैच के लिए विन कराएगी, बट हाँ अगर इस तरीके से सोचेंगे तो आपकी विनिंग पॉसिबिलिटी जो है आपकी बढ़ जानी है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना भाई, प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, और अगर कुछ और चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में जाके आप जो है वहां पे राइट डाउन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, मैं ट्राई करूंगा उस पे वीडियो बनाने की, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू।